टाइम सीरीज का के डेटे पर हमने स्टेट लैंड को फिट करना है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये हमारे पास 1997 है, 1978 है, 1979 है, 80 है, 81 है, 82 है, 83 है। अब आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट ईयर्स के ऊपर प्रॉफिट है, 88, 101, 105, 91 एंड 1983 के 130, 2000 के अंदर आपका जो है ना वो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, आज स्टेट लाइन को फिट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे कॉलम वाइज, और उसके बाद ये वाइज नोट करेंगे प्रॉफिट को। अब ये हमारे पास जो ईयर है ये टी है, टाइम है, टाइम जो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई हमारे पास यानी प्रॉफिट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो ईयर्स हैं ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास तो 7 ईयर्स हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड ईयर्स हैं, तो आप जो करेंगे, आपके पास 1980 मीटर के अंदर है, तो लिहाजा आप इसको कर लेंगे ओरिजिनल और इसको किसमें से कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो टाइम आपका एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी माइनस 1980 के बराबर हो जाएगा। तो आपने 1980 को इस ऊपर वाले जो ईयर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1979 माइनस 1980, तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और इधर जाएंगे 1980 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 को 2 आ जाएगा, 1980 को 83 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कोडिंग होने के बाद आपने टी को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, आपने टी को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, आप डायरेक्ट नहीं हल कर सकते कि आप इसको फिर एक्स कह दें और इसको वाई कह दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये उसको नहीं। जब कभी भी टाइम सीरीज का डाटा होगा आप सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और कोडिंग हमारे पास कैसी होती है, इवन ईयर्स के लिए अलग होती है, ऑड ईयर के लिए अलग होती है। ऑड ईयर जो हमारे पास, तो हमने क्या किया है, जो मिडल ईयर है इसको हमने क्या कर लिया, ओरिजिनल रख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है तमाम ईयर से। उसके बाद आप ये देखें हमारे पास क्या है, स्टेट लाइन। स्टेट लाइन किसके बराबर होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू एस्टिमेट करना है, b की वैल्यू एस्टिमेट करना है। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला क्या है, b इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई समेशन x स्क्वायर। अब आप यहाँ से वैल्यू देखें, आप देखें समेशन x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सम इसका कितना आता है 28, वो आप पुट कर दें, इसका सम कितना आता है 178, उसमें पुट कर देंगे और आपके पास स्लोप आ जाएगा, b की जो वैल्यू आ जाएगी 6.36 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे a का फार्मूला क्या है, समेशन y और है, समेशन y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, अगर आप इस समेशन y को देखें तो ये आपका आ जाएगा 750, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 750 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ईयर्स वो हमारे पास 7 है, और डिवाइड करने के बाद 750 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर तो 107.14 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आपने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, यानी आपने पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं, स्लोप भी निकाल लिया है, इंटरसेप्ट भी निकाल लिया है स्ट्रेट लाइन का, तो आप उसमें आप कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू और इसमें पुट कर देंगे b की वैल्यू, और इस तरीके से आपकी लाइन क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।